गाइज, आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो एक्चुअली रियल इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया के अंदर। एक फ्रॉड चल रहा है एक्चुअली। देखा जाए तो गाड़ियों के मार्केट में हो क्या रहा है कि जैसे ही अगर आपकी गाड़ी कभी भी कोई एक्सीडेंट होती है, कभी भी कोई रिपेयरिंग का काम आता है और आपको वो रिपेयर करानी पड़ती है किसी मैकेनिक के थ्रू, तो आप कभी भी ये ध्यान रखिए, कभी भी अनऑथोराइज मैकेनिक या जिसको आप जान जिसके साथ आपकी जान पहचान ना हो उसके पास गाड़ी को ठीक ना कराएं। यानी कि मतलब ठीक तो करा सकते हो, लेकिन ऐसा अगर आपको करना पड़े कि आपको गाड़ी उसके पास छोड़नी पड़े 2-4 दिन के लिए, तो ऐसा अनऑथोराइज मैकेनिक या अनजान मैकेनिक के पास बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि आजकल एक ऐसी समस्या सामने निकल के आ रही है कि लोग क्या करते हैं, जो आपकी गाड़ी की चाबी है उसकी क्लोन कीज बनवा रहे हैं। ठीक है, जो भी ऐसे मैकेनिक होते हैं, जो रोड साइड मैकेनिक्स होते हैं या इस तरह के, मैं सभी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। मैंने काफी सारी न्यूज़ पिछले कुछ दिनों में, 10 से 15 दिनों के अंदर ही मैं बताऊं तो पड़ी है, तो मैं आपको बताना जा रहा हूं दोस्तों। क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी में कभी कोई समस्या आए, कभी भी कोई समस्या आए, तो आप या तो आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाइए या फिर अपने जानकार के पास जाइए जो आपको जानता हो, पहले से आप उसको पहचानते हो, या फिर उसकी एक अच्छी इमेज हो मार्केट के अंदर काम वगैरह को लेके, इस तरह का कुछ अगर इमेज इमेज उसकी हो अच्छी इमेज, तो उसके पास ही काम कराइए। यानी कि एक रेप्यूटेड मैकेनिक के पास ही का आप काम कराइए। अगर के दूसरों के पास करवाओगे तो भाई ये काफी बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। वो लोग क्या करते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी की क्लोन की बनवा लेते हैं। उसके बाद होता है क्या है, आप तो अपनी गाड़ी का काम करा के आ जाते हो, इन फ्यूचर कभी भी आप किसी भी पार्किंग वगैरह में अपनी गाड़ी को पार्क करते हो तो पीछे से उनका कोई बंदा जिन्होंने आपकी क्लोन की बनवाई है आपकी गाड़ी को इजीली एक्सेस कर सकता है और आपके लिए काफी बड़ी समस्या हो सकती है। आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, काफी भारी नुकसान, एक मोटा नुकसान आपका हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी आप अपनी गाड़ी का कोई भी काम कराओ, रिपेयरिंग हो या कुछ भी एनीथिंग वर्क, मतलब आपकी गाड़ी में कुछ भी काम हो, तो या तो ऑथराइज सेंटर से ही या जानकार से ही करवाइए। अनजान मैकेनिक से, रोड साइड मैकेनिक से वो काम मत कराइए। या आपको गाड़ी खड़ी खड़ी करनी पड़े उनके पास 2 से 3 दिन, तो वो तो बिल्कुल भी मत कराइए भाई। अगर आपके पास ऐसी मजबूरी है कि यार नहीं, आपको रोड साइड मैकेनिक से काम कराना ही पड़ रहा है, तो डे मतलब वन डे में जो ही जो काम हो जाए वही कराइए। छोटा मोटा काम, मेजर काम तो वैसे भी नहीं कराना चाहिए। अपनी आंखों के सामने अगर कोई काम आप करा सकते हो तो उनसे करा सकते हो, अदरवाइज उनके पास अगर आपको गाड़ी छोड़नी पड़े तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, आपके लिए काफी बड़ी समस्या हो सकती है। तो बस दोस्तों मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि आप अगर कुछ ऐसा काम कराए तो भाई थोड़ा सा सावधानी बरतिए इसमें, क्योंकि नहीं तो आपका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।